देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिए दिल्ली एनसीआर की लड़कियों ने नई पहल शुरू की है। राजधानी की बेटियां रिवॉल्वर चलाना सीख रही हैं। दिल्ली से सटे मेरठ में शूटिंग कोर्स में लड़कियों की भीड़ उमड़ आई है। खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए ये नई तरह की कोशिश है। इस कोर्स में लड़कियों को गन चलाना सिखाया जा रहा है। इसमें प्रोफेशनल जॉब करने वाली लड़कियाँ शामिल हैं। खास बात यह है कि आर्मी से रिटायर हुए ऑफिसर इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप भी देखिए किस तरह से ये लड़कियां शूटिंग कर रही है। पिस्तौल लोड करने से लेकर निशाना लेने तक सभी काम ये लड़कियां बखूबी सीख गई हैं। दरअसल उन लड़कियों को आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर ट्रेन करते हैं। यही वजह है कि एक तरफ आर्मी की ट्रेनिंग की झलक यहाँ भी नजर आ रही है। सुनिए शूटिंग सीखने वाली इन लड़कियों को। मेरा नाम दिव्या पंवार है और मैं एक फिटनेस प्रोफेशन से हूँ, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा का जिम्मा किसी और के हाथों में क्यों दूँ? क्यों ना मैं एक लाइसेंस वाली गन खुद के लिए रखूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उसको कैसे कैरी करना है, कैसे फायर करना है, कैसे टारगेट को फिक्स करके फायर करना है। लेकिन आज यहाँ टेक्टिकल शूटिंग कोर्स में मैंने एक्सपर्ट्स के द्वारा सीखा है कि मुझे कैसे फायर करना है, कैसे वेपन्स को हैंडल करना है, और अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मैं एक लाइसेंस गन कैरी कर सकती हूँ। ग्रेजुएशन के दौरान हम लोगों को कोचिंग जाना होता है, कॉलेजेस जाना होता है, पर अक्सर जब कई बार आने या जाने में लेट हो जाता है, रात हो जाती है, फिर रात भी नहीं कैसे भी माहौल होता है, तो हमें अपनी सेफ्टी का भी खुद ध्यान रखना होना चाहिए। इन लड़कियों की ट्रेनिंग किस तरह से होती है ये भी सुनिए। रिसेंटली अभी दिल्ली में हिजबुल मुजाहिदीन और ISIS से रिलेटेड टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं, तो मैं जानता हूँ समझता हूँ कि महिलाओं को वेपन्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने सेल्फ डिफेंस और वेपन हैंडलिंग दोनों का कोर्स एक कम्बाइंड शुरू किया है, जिसमें वो यदि उनको कोई गन पॉइंट पर लेता है या कोई क्रिमिनल उन्हें नजर आता है तो दे कैन हैंडल देम वेरी इजीली एंड दे कैन स्नैच देयर वेपन एंड यूटिलाइज इट। ट्रेनिंग के बाद ये लड़कियां अब गन लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली है। पूरे हिंदुस्तान की सारी पुलिस, सारी आर्मी भी अगर सड़क पर लगा दी जाए तो ये अश्योर नहीं किया जा सकता है कि सड़कों पर कोई भी बुरा आदमी, कोई भी सेक्सुअल प्रेडेटर वॉक नहीं कर रहा है, किसी भी महिला पर गलत नज़र नहीं रखे हुए हैं, और शायद इसीलिए इस तरह की शूटिंग अकेडमीज में टैक्टिकल शूटिंग कोर्स करने के लिए महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक नया कल्चर विकसित होता जा रहा है जिसे गन कल्चर बोलते हैं। अभी हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें महिलाओं के लिए किसी भी देश में किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है।